अब इसमें क्या है कि देखो, मैंने ये कहा था कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास स्मॉल ए, कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालो हमने उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैपिटल ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Then it is called a symmetric matrix. तो क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए उसको symmetric matrix बोलते हैं। अच्छा, तो अब हम इसका एक example लेंगे। Example, for example, suppose there is a matrix, suppose there is a matrix A is equal to 1 0 0 1, ये की matrix है हमारे पास 1 0 0 1, इसका transpose लीजिए। इस matrix को बोलते हैं identity matrix, इसका transpose लीजिए। ट्रांसपोज मतलब इसका डैश, ए डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना लेंगे, ये हो गया 1 0 और ये 0 1 को ऐसे लिख दो 0 1। तो अगर देखा जाए तो कुछ अंतर ही नहीं है, ए डैश ए के बराबर ही आ गया। तो जब ए डैश ए के बराबर आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह से हम ये कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें लिखे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इफ फॉर अ मैट्रिक्स for a matrix capital A, A dash is equal to minus A, then it is called a skew symmetric matrix. अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 0 EF माइनस ई 0 G माइनस एफ माइनस जी 0। ये है, ठीक है। तो अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा। हाँ जी,
आप ये देखिएगा कि जैसे ए ही हो गया, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जीरो ई एफ, इसको ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे, जीरो ई एफ ये दूसरी रो में लिखा हुआ है तो इसको ऐसे दूसरे कॉलम में लिख लेंगे, माइनस ई जीरो जी ये तीसरी रो में है तो इसको तीसरे कॉलम की तरह लिख लेंगे, माइनस एफ माइनस जी जीरो। अब आप क्या करो, अब इस पूरी मैट्रिक्स में से आप माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है, मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका साइन बदल जाएगा, तो जीरो का तो क्या साइन बदल होगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा, माइनस ई का हो गया प्लस ई, माइनस एफ का हो गया प्लस एफ, ई का हो गया माइनस ई, जीरो का जीरो, माइनस जी का हो गया प्लस जी, एफ का हो गया माइनस एफ, जी का हो गया माइनस जी, और जीरो रहा जीरो, जीरो ई एफ माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी जीरो, इसके बराबर हो गया, बाहर तो माइनस है और ये पूरा क्या है ए तो माइनस ए के बराबर, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर हो गया, ठीक है। ये हमने क्या करा, ये हमने एग्जांपल लेकर कुछ मैट्रिक्स देख ली, जैसे इसके अंदर एलिमेंट्स थे 1001, इसके अंदर एलिमेंट्स थे 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ जी 0, इस तरह से। अगर एलिमेंट्स ना हो कुछ जनरली भी मैं रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ क्या किसी मैट्रिक्स का? हम एक चीज देखते हैं, यहां मैं ये कहूंगा सपोज, ये नोट करके लिखना क्योंकि आगे ना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसमें लिखेंगे सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स देयर इज एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा इसमें, एंड अनदर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड लाइक ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, या आप कहें इसको छोड़ो, ई इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो ये एक मैट्रिक्स है, तो ये एक मैट्रिक्स है, उसको एक मैट्रिक्स तो थी ए, अब मैंने कहा कि ए मैट्रिक्स मेरे पास है, मैंने उसका ट्रांसपोज भी ले लिया, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद मैंने दोनों को ऐड कर दिया, जब दोनों मैट्रिक्स ऐड हो गई है ना, यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि जो मैट्रिक्स ए होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी तो उसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो सेम ऑर्डर का होगा, तो मैंने एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया तो एक नई मैट्रिक्स बन गई पी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नई मैट्रिक्स बनी है पी, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, पी ट्रांसपोज क्या हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और मैं जानता हूं कि जब ये ट्रांसपोज होता है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी होती है। अगर दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालूंगा तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, वही काम यहां पर करा कि बी ना लेकर दूसरे मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज ले लिया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए डैश प्लस ए किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश करो या ए डैश प्लस ए करो, ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया, ये तो पी के बराबर आ गया, ए डैश इज इक्वल टू पी, देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई, देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, एक काम और करते हैं बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बताइए अश्मी मन्नत दृष्टि कनिष्का, यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए अब अगली एक कहानी सोचते हैं कि जैसे मैंने एक नई मैट्रिक्स मान ली पी ए प्लस ए डैश, मैं एक और मैट्रिक्स मान लेता हूँ क्यू, क्यू को मैं कह देता हूँ ए माइनस ए डैश,
ठीक है, सपोज डिनर इज अनदर मैट्रिक्स क्यू रिप्रेजेंटेड एज क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश तो क्यू डैश क्या होगा, ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज, तो क्यू डैश हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्यू डैश क्या हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ही हो गया, यहां से माइनस ले लो कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा ए माइनस ए ट्रांसपोज, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली, और ए माइनस ए डैश क्या था क्यू, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस क्यू, देयरफॉर क्यू इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। U is a skew symmetric matrix. यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में हमसे ये बोलते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करिए एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो ये P है और ये Q है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, आगे इधर लिखूंगा कि अगर मान लीजिए P है हमारे पास, मान लो मैं P प्लस क्यू कर दूं, P क्या है A प्लस ए डैश और Q क्या है A माइनस ए डैश, माइनस ए डैश प्लस ए डैश कर दिया प्लस क्यू क्या हो गया 2a, है ना, तो ट्वाइस आ गया, ये तो बात नहीं बनेगी। मतलब कुल मिलाकर ये है कि मैं ये चाहता हूं कि किसी एक सिंगल मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, तो हम ये कहेंगे कि टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix and skew symmetric matrix, let P is equal to half A plus A dash and Q is equal to half A minus A dash. अब मुझे एक चीज बिल्कुल साफ समझ में आनी चाहिए कि A plus A dash को मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं कि A plus A dash क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो क्या फर्क पड़ता है, अभी तो वो सिमेट्रिक ही रहेगी, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कांस्टेंट उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली कि ट्रांसपोज लो तो वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, वो तो तब भी सेटिस्फाई होगा, ठीक। सिमिलरली जब a माइनस a डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिसिटी वाली तो प्रॉपर्टी तब भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मैं इसको p को हाफ a प्लस a डैश ले रहा हूं और q को ले रहा हूं हाफ a माइनस a डैश, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कर दिया दोनों को ऐड करके 2a आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं दोनों को ऐड करके a आए, है ना, अब आ जाएगा E plus Q कितना हो जाएगा half U plus A dash plus half A minus A dash, ये क्या हो जाएगा half A plus half A dash plus half A minus half A dash, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, half A plus half A कितना हो गया A। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये चीज आपको समझाने के लिए फर्स्ट टाइम मैंने करके दिखाई है, आपको एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, एक रटा रटाया क्वेश्चन आता है उसमें सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि
एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, वो बोलेंगे रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप एक मैट्रिक्स मान लोगे पी, पी क्या होगी हाफ ए प्लस ए डैश, मैट्रिक्स ए आपको दे रखी होगी उसका ट्रांसपोज निकालोगे दोनों को ऐड करोगे हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो जो पी मैट्रिक्स आ गई वो तो हो गई सिमेट्रिक। फिर क्या करोगे ट्रांसपोज निकालो ए में से सब्ट्रैक्ट करो हाफ से मल्टीप्लाई करो। अभी क्वेश्चन कराता हूँ समझ में आ गया ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, जैसे हमसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमसे ये कह दिया जाए कि कोई एक नंबर है उसको आप रिप्रेजेंट करो एज द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये एक चीज है, वो बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो कि एक तो बना दो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक बना दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों को अगर ऐड करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आते हैं, कुछ ऐसा करो ठीक है ना। तो वो देखिए कैसे करेंगे, मैं इधर कर रहा हूं अब पेज नंबर 87 पर है एग्जांपल नंबर 22। अच्छा एनसीईआरटी सभी के पास है ना, एनसीईआरटी सभी के पास है, ऑनलाइन भी बता दीजिए एनसीईआरटी सबके पास है। यस सर। अच्छा अगर किसी के पास yes, हो मैथ्स की एनसीईआरटी दो मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई है, किसी को चाहिए हो या किसी के फ्रेंड को चाहिए हो भाई बहन को चाहिए हो तो ले जाना, मेरे पास दो एक्स्ट्रा रखी हुई है ठीक है। अब देख लीजिए एग्जांपल नंबर 22, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल बी, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू 2 - 2 - 4 -2 - 4 -134 -134 1 - 2 - 3 and -2 - 3 as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix. अब ये पूरी स्टोरी आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कहेंगे लेट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी, लेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी लेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी पी इज इक्वल टू हाफ b plus b dash, p is equal to half b plus b dash, p क्या हो जाएगा बेहद आसान, हाफ को यहां पर रखो ये कैसे कर्ली ब्रैकेट लगा लो, और b b क्या है 2 - 2 - 4 - 1 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 और प्लस में लिखूंगा बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज को आपको सीधा सीधा ऐसे लिखना है कि ये पहली रो है तो उसका पहला कॉलम बना दो 2 - 2 - 4, ये दूसरी रो है तो इसको दूसरा कॉलम बना दो 1 - 3 - 4, और ये तीसरी रो है तो तीसरा कॉलम बना दो 1 - 2 - 3, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो 2 + 2 कितना हो गया 4 - 2 + - 1 यानी कि -2 - 1 कितना हो गया -3 - 4 + 1 ये भी -3 -1 + -2 - 3 - 3 ये कितना हो गया 6 4 + - 2 यानी कि 4 - 2 कितना हो गया 2 1
प्लस माइनस यानी कि 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 3, माइनस 2 प्लस 4 ये हो गया प्लस का 2, माइनस 3 ये हो गया माइनस का 6। बस इतना करके छोड़ दीजिए। ये जो मैट्रिक्स आ गई पी मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ही होगी, ठीक है। ये आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, समझ रहे, बताइए क्लियर है। चलिए अब इसके बाद फिर है लेट आ लेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी कैपिटल क्यू इज इक्वल टू हाफ बी माइनस बी डैश, हाफ बी माइनस बी डैश। तो कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, हाफ एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट लगा लो, ये पूरी जो मैट्रिक्स है बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो लिखिएगा एंट्रेंस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस बी डैश, बी डैश कितना है 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये बन गया 1/2 माइनस 2 कितना हो गया 0 माइनस 2 माइनस माइनस 1 यानी कि माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस 2 यानी कि माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0 4 माइनस माइनस 2 बनता 4 प्लस 2 6 1 माइनस माइनस 4 यानी कि 1 प्लस 4 5 माइनस 2 माइनस 4 ये हो गया माइनस 6 माइनस 3 माइनस माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 0। देयरफॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी सॉरी matrix B can be represented as B is equal to half B plus B dash plus half B minus B dash। ये half B plus B dash क्या था, ये B is equal to 1 upon 2, 4 minus 3 minus 3, minus 3, 6, 2, or minus 3, 2, minus 6, or plus half b minus b dash, मतलब ये वाला 1 upon 2, 0, minus 1, minus 5, 1, 0, 6, 5 minus 6, 0, ठीक है। इसके नीचे लिख देना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके नीचे लिख देना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई वेरीफाई करके दिखाने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है, आप ये देखेंगे कि ये इसके बराबर ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप प्रूव करके देखेंगे, चाहे तो करके देख लेना, प्रूव करके आप देखोगे तो वो बी के बराबर ही है, समझ गए भाई। दोनों में देखो 1/2 1/2 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पहला एलिमेंट देखो 4 प्लस 0 क्या हो गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 2, तो बी का पहला एलिमेंट क्या है 2। अगला देख लो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा माइनस 2। ऐसे ही हर एक एलिमेंट देखेंगे सेम, बताइए जी क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 है,
एक्सरसाइज 3.3 के एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ मैंने होमवर्क में दिए थे 3.3 के, वहां पर दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। एक मिनट रुकिए बस, अभी एक मिनट में आ रहा हूँ, पानी पीने जा रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। एक तो आते लेट हो और ऊपर से बात ऐसी बताओगे कि जो सबको पता है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अभी मतलब अब ज्वाइन करा इसने अभी, नहीं सर, पक्का माँ कसम अभी ज्वाइन नहीं करा। ये कोई पुराने ट्रिक देखकर आए माँ कसम, पुराने जो फिल्म में बोलते थे माँ कसम। सर वैसे मजा आ जाता अगर हमारे साथ भी ऐसा होता तो। तुम्हारे तो मजे ही आया था, तुमने तो ऑनलाइन ही दिए थे पेपर अभी 11th के, क्या है हाँ दिए तो थे, पर इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स थोड़ा मिले थे मेरे, तो 100% मतलब आते। अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है, हो सकता है इंटरनल हो उनके एग्जाम्स और वो ऑनलाइन हो, अभी कहा अरे कुछ कर सकता है। सर चलिए जी अब देखिएगा, देखो इसमें जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने कर लिया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो क्वेश्चन नंबर 6 कराने की जरूरत है, देख लो एक बार फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों देखो। बोल रहे हैं कि ए दे रखा है मेरे को, या चलो मैं इसमें से दो पार्ट्स है, मैं एक पार्ट आपको करा रहा हूँ, अश्वि मेरी आवाज आ रही है, अश्वि आवाज आ रही है मेरी? नहीं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अभी के लिए छोड़ रहा हूं, अभी के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन शायद हट गया था सिलेबस में, कोरोना में तो हट ही गया था, उसके पहले नहीं आता था, लेकिन अभी अभी के लिए उसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, वो मैं करा दूंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ हो सकता है कहोगे तो करवा दूंगा, वैसे ऐसा कोई मुश्किल करवा देंगे 11th का, बस अब स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर, क्योंकि फटाफट फटाफट ये कर देंगे इनको 10-15 दिन में फिनिश करके, मई मई मुझे लग रहा है मई मई शायद स्टार्ट कर देंगे वो, उसको वो पैटर्न में उसको फ्लो में लाने के लिए ही शायद ये करा गया है। अच्छा चलिए चलो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग करिएगा, 6 का सेकंड पार्ट। सर हाँ जी बोलिए। सर स्कूल में मैम कही थी कि डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर के साथ कराएंगी ये वाला टॉपिक। अच्छा वैसे वो ठीक कह रही है क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती है, वो सही कह रही है, डिटरमिनेंट्स के साथ ही इसको करेंगे हम भी ऐसे ही करते हैं। चलिए ठीक है तो मैं अभी करवा ही दूंगा, करवा दूंगा लेकिन डिटरमिनेंट्स के साथ करवाऊंगा क्योंकि डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज होती है इसमें। सर मैंने कर लिया था ऐसे। अच्छा कर लिया था तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलिए सेकंड पार्ट देखिएगा, इफ ए इज इक्वल टू साइन अल्फा, If A is equal to sin alpha cos alpha, sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, If A is equal to sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, then verify that A dash A is equal to I. Verify that E dash A is equal to I. ये वाला अगर क्वेश्चन इसकी बात करें, मन्नत मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. Yes sir. ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना मन्नत, ये वाला कर yes, लेना okay. क्योंकि इसमें इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा वो वाला यूज नहीं है, 11th के फॉर्मूले वाला, ठीक है। देखो कैसे करेंगे,
ए डैश इंटू ए मेरे को करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS ए डैश मल्टीप्लाइड बाई ए। अब ए डैश क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड रो में लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में लिखो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो ये तो हो गया हमारे पास ए डैश मल्टीप्लाइड बाई ए साइन अल्फा कॉस अल्फा, फर्स्ट रो में लिखा हुआ है इसको फर्स्ट कॉलम में, इसको ऐसे लिखना सर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये मेरे पास क्या हो गया ए डैश मल्टीप्लाइड बाई ए, ये हो गया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, समझ गए ठीक है। अब पहली रो इंटू दूसरा कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद दूसरी रो और पहला कॉलम तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर दूसरी रो इनटू दूसरा कॉलम तो कॉस अल्फा इनटू कॉस अल्फा क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कट गया, cos alpha sin alpha minus cos alpha sin alpha ये कट गया, sin square alpha plus cos square alpha क्या होता है 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, sin square alpha plus cos square alpha 1, और इसी को हम क्या बोलते हैं identity matrix, समझ गए ठीक है। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, identity matrix के बराबर प्रूव होते हैं ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 7 है, 7 का फर्स्ट पार्ट है कि ए को मुझे प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप क्या करोगे उसका ट्रांसपोज ले लोगे, वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। 7 के सेकंड पार्ट में आप देखोगे कि ए को प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज ले लोगे वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, छोड़ दूं है ना। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मुझे ये वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो होती ही है, आप प्रूव करके देखेंगे। आप ए प्लस ए डैश को मानोगे पी, उसकी वैल्यू निकालोगे पहले और फिर पी डैश निकालोगे, अगर पी डैश पी के बराबर आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि हाँ वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर है ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए माइनस ए डैश को मान लोगे क्यू, क्यू का ट्रांसपोज निकालोगे अगर वो क्यू के बराबर आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड आउट हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश व्हेन ए इज इक्वल टू दिस, ये भी कर लेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चारों पार्ट्स कर लेना अपने आप हो जाएंगे। फिर है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 11 एंड 12, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा जीरो हो जाएगा, आइडेंटिटी होगा क्योंकि इन्होंने बोला ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, ए बी माइनस बी ए, इन्होंने ये बोला है कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर,
पूछ रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी या आइडेंटिटी होगी। तो आप एक काम करो, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें आप क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल दो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल दो, क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। जब दो मैट्रिक्स ऐड हो रही होती हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं और उनका टोटल का ट्रांसपोज निकाला जाता है तो पहली का ट्रांसपोज और दूसरी का ट्रांसपोज और बीच में जो साइन है वही रहता है, ठीक है, समझ गए। अब लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो ए बी के ट्रांसपोज को क्या लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा करता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये भी उल्टा हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया। अब उन्होंने ये बोला कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों की दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर की है तभी तो एडिशन वो सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। तो जब ये सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए ट्रांसपोज की जगह मैं लिख सकता हूँ ए क्योंकि सिमेट्रिक है, ऐसे ही ए ट्रांसपोज की जगह मैं लिखूंगा ए और बी ट्रांसपोज की जगह मैं लिखूंगा बी। रीजन में लिख देना बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब माइनस कॉमन ले लो तो बी ए माइनस ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया, देयरफोर क्या हो गया ये, देयरफोर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है सभी को, यस सर, यस सर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ही क्लियर है आ रहे हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसमें है a इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a डैश इज इक्वल टू y, लैम्डा वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अब देखिएगा ए इज इक्वल टू दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा अब ये कह रहे हैं कि ए प्लस ए डैश आई के बराबर है, गिवन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, तो ए कितना है cos alpha minus sin alpha sin alpha और cos alpha plus a dash कितना है, ये जो पहली रो है इसका पहला कॉलम बना दो, cos alpha minus sin alpha, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दो sin alpha cos alpha is equal to y, क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू बताओ, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये हो जाएगा जीरो, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा जीरो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन। अब क्या करेंगे,
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से cos अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। जब cos अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो अल्फा क्या होगा 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। तो ऑप्शन बी समझ गए। उसके बाद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अभी छोड़ते हैं, डिटरमिनेंट्स में करवाऊंगा इसको। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में लगती हैं और टाइम है अभी। आपको पीएमआई याद है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? नहीं याद है? पीएमआई के 3 स्टेप्स लिख लो बस। कोरोना में तो हटा था ये बात। हाँ ये हाँ आप लोगों को तो पता ही नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कराया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा मैंने शुरुआत में करवाया होगा, तुम तो बाद में आए थे। शुरुआत में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो क्या होता है देखिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व समथिंग। तो पहला स्टेप क्या होता है इसका? स्टेप वन, अभी जो मैं ये स्टेप लिखवा रहा हूँ ये बिल्कुल अजीब सी कहानी लगेगी आपको। जब क्वेश्चन में अप्लाई करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, बेहद आसान। जो स्टेप वन है, स्टेप वन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक वेदर, चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू और एंड इज इक्वल टू वन और Not. सबसे पहले तो चेक करना होता है कि वो n is equal to 1 के लिए ट्रू है या नहीं। जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें n जरूर होगा, ठीक है? और n क्या होगा? n belongs to z, z मतलब इंटीजर। मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। स्टेप सेकंड देखिएगा, स्टेप सेकंड में है अज्यूम दैट द given expression is true or n is equal to m। second step में मेरे को ये assume कर लेना है कि वो n is equal to m के लिए true होगा। कई books में वो n is equal to m ना लेकर n is equal to k ले रखा है, ठीक है? आपकी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा ले लेना। step 3 check whether a given expression is true or not। अरे यही इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में मिसलेनियस इस मैं ना बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो फोर्थ वाली एक्सरसाइज है वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की है। वो अश्मी का जो टीचर है उन्होंने बिल्कुल ठीक करा है कि उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पहले बतानी पड़ेगी, वो बताकर फिर वो करवा दूंगा आपको, ठीक है? उसके बाद जो मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस में इसके पीएमआई के क्वेश्चंस दे,
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जनरल एक्सप्रेशन में लगता है, नॉर्मल एक्सप्रेशन में, लेकिन वो आप कर कर आए नहीं हो 11th में, तो हमें क्या देखना है, हमें तो सीधा सीधा मैट्रिक्स में अप्लाई करके देखना है। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, और मतलब तीन स्टेप है, वो तीन स्टेप में हो ही जाते हैं, उसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता। हाँ नहीं नहीं मैं करवाऊंगा ना, इसी में करवा दूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं भी। और तीसरा n is equal to m plus 1 के लिए प्रूव करना है ना, चेक करने का मतलब ये है कि प्रूव करना है, और वो प्रूव हो ही जाएगा। अगर कोई एक्सप्रेशन फिजिबल है, फिजिबल मतलब एग्जिस्ट करता है, तो वो प्रूव हो ही जाएगा। और आपको जो प्रूव करने के लिए दिया जाएगा वो फिजिबल एक्सप्रेशन ही देंगे, वो उल्टा सीधा तो कुछ देंगे, ठीक है। तो ये तीन स्टेप नोट कर लीजिए बस, इसके बेस पर क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टाइम आपको करूंगा, ठीक है।